जो है हम इसमें देखेंगे प्रश्न उत्तर में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धन के लालच के कारण जो बहुत सारे लोग जो है बहुत दाम बढ़ जाती है, मतलब जो काला बाजारी और वो सारी चीजें। फिर यहाँ देखिए कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिसमें कि उपभोक्ता का शोषण होता है, जैसे घटिया, जैसे हमने अभी आपको थोड़े जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया कि घटिया सामान दे देना और फिर कम तौलना, अधिक मूल्य देना, मिलावट करना, सुरक्षा उपयोग या अवहेलना, अधूरी गलत जानकारियां देना, असंतोष सेवा, कृत्रिम अभाव, ये सारे के कारण जो है उपभोक्ताओं का जो है वह शोषण होता है। फिर हम देखेंगे कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में जो की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें क्या था, उपभोक्ता का जब शोषण हो रहा था ये चीज भी हमने आपको बताया कि उपभोक्ता जो है शोषण से बचाने के लिए और कानूनी अपराध उपलब्ध नहीं थे उस समय, इसलिए उपभोक्ताओं को उसके उपभोक्ता शोषण से और जो विक्रेता है, जो शोषक है, उस विक्रेताओं के द्वारा किया गया शोषण, उससे बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। फिर हम देखेंगे यहाँ उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करना, हमको क्या करना चाहिए, हम उस समय जब हम भुगतान करते हैं या गारंटी देता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ISI मार्क देखना चाहिए, सामान सेवा रसीद अवश्य लेना चाहिए, जो उत्पादक और व्यापारी दुकान किसी भी प्रकार की कोशिश करे तो हमें, मतलब जैसे वह प्रलोभन देता है, तो उससे बचना चाहिए। उपभोक्ता अपने कर्तव्य की या अपने अधिकारों की यदि जानकारी रखता है तो वह अपना शोषण नहीं होने देगा और ऐसे शोषण से बच सकते हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर शहद की वो बोतल में बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं, खरीदते समय आप कौन सा चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीजें हैं उपभोक्ताओं के समर्थन पाने के लिए। तो यहाँ पर हम जब बिस्किट शहद की बोतल खरीदेंगे या बिस्किट खरीदेंगे तो उसका जैसे कि शहद पर एग मार्क देखना होगा और एग मार्क में कृषि उत्पादों का जो मानक चिन्ह होता है वह देखना होगा, और साथ ही साथ बिस्किट खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा और साथ ही साथ उसमें एक्सपायरी डेट भी देखनी होगी। फिर जब उपभोक्ता जो है सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों का पालन किया गया, इसमें भी हमने आपको जब अध्याय पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिकारों संरक्षण के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिससे कि जो उपभोक्ता है वह अपने न्याय को प्रयोग करता है और कानूनी के मापदंडों का प्रयोग करते हुए सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों का जो है संरक्षण करती है। उपभोक्ता के कुछ अधिकार भी बताए गए, जो प्रत्येक अधिकार की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ता के अधिकार दिया गया है, फिर सूचना के अधिकार के तहत हम उसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं, और फिर चुनाव का अधिकार भी उपभोक्ता को है, फिर सुनवाई का अधिकार भी है, फिर उपभोक्ता जो है को शिक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता प्रस्तुतिकरण का अधिकार है, मतलब हर तरह से उपभोक्ता के सारे अधिकार जो है वह प्राप्त है। फिर उपभोक्ता जो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, एकजुटता का प्रदर्शन ऐसे कर सकते हैं उपभोक्ता यदि संगठन के निर्माण में या उसे प्रेरित करके, और साथ ही साथ उपभोक्ता जो है वस्तुओं के उत्पादन में यदि किसी तरह गड़बड़ी हो रही है तो उसके बारे में बताकर, उपभोक्ता जो है यदि संतुष्ट नहीं होता तो इस तरह उपभोक्ता आंदोलन संगठित समूह की संख्या में उसे कार्यविधि में तरक्की कर सकते हैं। फिर उपभोक्ता आंदोलन प्रगति की सीमा, उपभोक्ता आंदोलन में अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए जो है उपभोक्ता आंदोलन किया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1970 के दशक में जबकि संस्थाएं जो उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखन प्रदर्शनियां जो आयोजन करने लगी थी जिससे कि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके। फिर यहाँ ये सही जोड़ी दी हुई सम्मिलित कीजिए, इसके आंसर ये दिए हुए हैं जैसे कि उत्पादक और भक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है, ये उत्तर नीचे दिए हुए हैं। फिर यहाँ देखेंगे सही गलत बताइए, तो सही गलत जो है जैसे कोपरा केवल सामानों का, तो उसके भी उत्तर ये दिए हुए, सही गलत है तो उसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर कोपरा सामानों पर लागू होता है, गलत है, फिर विश्व उन देशों में से एक है जो उपभोक्ता समस्याओं के निवारण के लिए डालते हैं, ये सही है, अधिक मूल्य का नुकसान तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें, मतलब उपभोक्ता का जो है यदि उपभोक्ता अदालत में लाभप्रद होती है, मतलब सिर्फ हमको अधिक मूल्य का नुकसान हो या किसी तरह से, तभी हम नहीं जा सकते, मतलब हमारे साथ किसी तरह का धोखा हुआ है तब भी हम आसानी से अदालत में जा सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। फिर उसी तरह सेवाओं के निवारण की प्रक्रिया का अत्यंत सरल और शीघ्र होती है, ये बिल्कुल सही है, उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने के अधिकार हैं, क्षति की मात्रा पर भी निर्भर करती है, मतलब मुआवजा यदि उसे मिलना है तो उसको कितनी क्षति हुई है और क्या उसको कितना मिलना चाहिए वह उसके क्षति पर ही निर्भर होती है। इस तरह से जो है
उपभोक्ता जो है अपने